नमस्कार, मैं हूँ सौम्य राठी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का खास सेगमेंट ज्ञान अड्डा। ज्ञान अड्डा में हम ऐसे मुद्दों के बारे में बात करते हैं जो हम बचपन से ब्लाइंडली फॉलो जरूर करते चले आ रहे हैं, मगर उन बातों के पीछे की असली वजह ना तो कभी किसी ने हमें खुदा के बताई और ना ही हमने कभी पूछना जरूरी समझा। इसी सिलसिले में आज हम एक ऐसे अंधविश्वास के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सब ने ना सिर्फ सुना है बल्कि अपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं फॉलो भी किया है। जी हाँ, ये है सबसे ज्यादा फेमस अंधविश्वास, कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बात है कि अगर बिल्ली आपका रास्ता काट देती है तो कुछ अशुभ होने वाला है। अब ये एक ऐसी बात है जो हर किसी ने ना केवल सुनी है पर अपने अपने जीवन में बिल्ली से अपनी दूरी भी बनाकर जरूर रखी है। अगर बात सिर्फ बिल्लियों की जा रही है तो हमारे पास उनसे जुड़े और अनेक अंधविश्वास है, लेकिन एक ऐसा अंधविश्वास है जो हम चलते फिरते देख ही लेते हैं। लोग कहते हैं कि अगर बिल्ली आपका रास्ता काट कर चली जाती है तो कुछ लोग कुछ 5-7 मिनट रुक के आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रास्ते पर थूक के आगे बढ़ जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी और का उस रास्ते से गुजरने का इंतजार करते हैं, उसके बाद ही वो अपने कदम बढ़ाते हैं। इसके पीछे का तर्क आज तक तो ये लोग देते आ रहे हैं कि बिल्ली की छठी इंद्री काफी तेज होती है, इसीलिए वह आने वाले कष्ट, विपदा या कोई भी खतरा या मुसीबत हो उसका आभास पहले ही कर लेती है। और बिल्ली का आपका रास्ता काटना आपके लिए एक संदेश होता है कि आप उस रास्ते ना जाएं और अपने आप को आने वाली उस मुसीबत, उस आपदा से बचा कर रखें। मगर इसके पीछे की असली वजह आखिर क्या है? ये तो आप सभी जानते होंगे कि बिल्ली प्रजाति के सारे जानवरों की आंखें रात को चमकती है। उनकी ये चमकती हुई आंखें ही इस अंधविश्वास की जड़ है। जी हाँ, सही सुना आपने, बिल्ली की आंखों की जो चमक होती है उसी ने इस अंधविश्वास को हमारे समाज में इतनी मजबूत जगह की है। तो चलिए अब आपको पूरी बात जरा विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। बिल्ली नॉक्टर्नल एनिमल्स में आती है, ना सिर्फ बिल्ली बल्कि उसकी प्रजाति के सारे जानवर जैसे शेर, बाघ, चीता इत्यादि। इस अंधविश्वास की जड़ें एक्चुअली लॉजिक में छुपी है, और ये लॉजिक उन दिनों का है जब सड़कों पर कच्चे रास्ते थे और सड़कें जंगलों से घिरी हुआ करती थी। ये लॉजिक उस वक्त का है जब सड़कों पर स्ट्रीट लाइन नहीं हुआ करती थी और अंधेरा होने के बाद घरों में भी दियों की रोशनी के तले ही काम किया जाता था। अक्सर ऐसा होता था कि मुसाफिर जब किसी ऐसे रास्ते से गुजरते थे जब उन्हें चमकती हुई आंखें दिखाई देती थी, तब कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती थी। अब ये दुर्घटना कैसी होती थी? तो उन्हें कोई खा चुका होता था, वो बुरी तरीके से जख्मी हो चुके थे, या ऐसे ही कोई समस्या है। कुछ वक्त बाद लोगों को समझ में आया कि चमकती आंखें हैं यही खतरा है, क्योंकि ये अक्सर रात के अंधेरे में शेर या ऐसा ही कोई शिकारी जानवर हुआ करता था जो रात के अंधेरे में हमला करने को आसान समझता था और इसीलिए रात्रि जख्मी हो जाते थे। उनकी चमकती आंखों को एक संदेश बना के बाकी लोगों को इस तरीके से समझाया गया कि बाकी लोग इस बात से सचेत रहें और अगर वो ऐसे किसी जानवर को अपने रास्ते में देखें तो अपना रास्ता मोड़ लें और अपनी सुरक्षा कायम रखें। मगर वक्त बीतते बीतते सड़कों पर स्ट्रीट लाइट तो आ गई, लेकिन इस विश्वास ने समाज में जड़ें बहुत मजबूत बना ली, और साथ कुछ ही वक्त में जो बात सटीक लॉजिक के साथ शुरू हुई थी वो अंधविश्वास बनकर रह गया। इस अंधविश्वास में अब कई अपडेशंस भी हो चुकी हैं। कुछ अपडेट्स ऐसी हैं जो ये कहती है कि बिल्ली का रास्ता काटना सिर्फ और सिर्फ अशुभ तभी होता है जब बिल्ली बाईं ओर से रास्ता काटकर दाईं ओर की तरफ जा रही हो। बिल्ली को लेकर ये बातें भी कही जाती है कि अगर काली बिल्ली आपका रास्ता काट ले तब आपका जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, आप पर शनि की दशा भारी हो चुकी है। और काली बिल्ली दिखने को लोग कुछ ज्यादा ही अशुभ मानते हैं, लेकिन यहाँ भी एक आयरनी है क्योंकि बिल्ली को अपने हिसाब से लोग शुभ और अशुभ के खेल में बांट देते हैं। कुछ बातें बिल्ली के बारे में ये भी कही जाती है कि अगर आपके घर त्योहार, खास तौर पर अगर दिवाली के अवसर पर बिल्ली आती है तो उसे काफी शुभ संकेत माना जाता है। यहाँ तक कि अगर आपके घर में बिल्ली अपना बच्चा दे देती है तो उसे भी एक अच्छा साइन ही माना जाता है। लेकिन वहीं अगर बिल्ली आके आपके घर का दूध पी जाती है तो लोग हाय तौबा मचा देते हैं। इसके अलावा अगर कभी कोई कहीं बिल्ली को रोते हुए भी सुन लेता है तो वो भगवान को याद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर से बिल्ली के साथ इतने सारे अंधविश्वास जोड़ दिए गए हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि बिल्ली की जो छठी इंद्री होती है वो इंसान का भविष्य देख सकती है, इसीलिए लोग बिल्लियों की पूजा करते हैं। अगर आप इजिप्शियन कल्चर से जरा भी वाकिफ रखते हैं तो वहाँ भी बिल्लियों को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन उस कल्चर में भी काली बिल्ली को बिल्कुल अशुभ माना गया है।
इस शुभ अशुभ का खेल इतना बड़ा है कि आप इसके बारे में जितना ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं उतने ज्यादा उलझते चले जाते हैं। इसीलिए हमने बीड़ा उठाया है कि ऐसे हर अंधविश्वास के पीछे के लॉजिक को आप तक पहुंचाने का। तो इसी के साथ आप देखते रहिए ज्ञान अड्डा, ऐसे और अपडेट्स और ऐसे फैक्ट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें ऐसे और अंधविश्वास या ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताएं जिनके पीछे की कहानी आप जानना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी देर ना लगाएं। आप लाइव सिटीज की टीम से ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।